हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्मार्ट न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाराष्ट्र और मुंबई के अलग अलग इलाकों में जहां पर हॉटस्पॉट बन चुका है, उन तमाम इलाकों को 7 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू में जाना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन से वो हॉटस्पॉट हैं और साथ ही हम आपको बताएंगे नाइट कर्फ्यू कितने बजे का होगा और किन किन जगहों पर लगाया जा रहा है। वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो यो स्मार्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं सबसे पहले कोरोना की अपडेट को लेकर। महाराष्ट्र पूरे देश में कोरोना का मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से 25,000 के ऊपर महाराष्ट्र में रजिस्टर हुए और यहाँ पे मरने वालों की संख्या पिछले 24 घंटों में 58 के पार पहुंच चुकी है। यानी कोरोना का लगातार जो दूसरी लहर है वो मुंबई में दस्तक दे चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो वहां से रिपोर्ट जारी हुआ जिसमें बताया गया कि कोरोना के मामलों में जो नया स्ट्रेन आया है उसमें 400 से ज्यादा मरीज भारत में पाए गए हैं। यानी कि 400 मरीज की जो संख्या बढ़ रही, कोरोना की जो दूसरी लहर आ रही है उसकी वजह से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में सबसे ज्यादा खतरा उत्पन्न हो रहा है। बात करें एशिया की सबसे बड़ी दूसरी स्लम एरिया यानी कि धारावी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से धारावी एक बार फिर से लॉकडाउन की नजर में आ चुका है। धारावी में भी लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन एक या दो दिनों के भीतर यहाँ पे लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बीएमसी की तरफ से बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि अगर हालात नहीं सुधरते और लोग नियमों का पालन सही ढंग से नहीं करते तो आने वाले 2 या 3 दिनों के भीतर लॉकडाउन ही एक सोल्यूशन होगा इस कोरोना से बचने के लिए। अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई के अलग अलग जोन जैसे मालाड, गोरेगांव, जोगेश्वरी, बोरीवली, वसई विरार, मानखोर, कुर्ला, यानी इन तमाम इलाकों में जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा स्ट्रेन देखने को मिल रहे, नए मरीज देखने को मिल रहे, तमाम इलाकों को शॉर्टलिस्टेड किया जा रहा है। यानी कि पहले चयन किया जाएगा किन किन जगहों पर लॉकडाउन से काम चलाया जाएगा और कहां पर बिना लॉकडाउन के सिर्फ रिस्ट्रिक्शन के साथ ही जो है छोड़ दिया जाएगा। यानी कि जिन जगहों पर जरूरत होगी सिर्फ उन्हीं जगहों पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है और फिलहाल अभी धारावी जो है मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है मुंबई के अंदर। उसी प्रकार परमेन में आपने देखा लॉकडाउन लगा दिया गया है, साथ ही नवी मुंबई, थाने में भी काफी जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो उसी प्रकार मुंबई के मलाड़ में जो है काफी इलाके ऐसे हैं जहां पे कोरोना के नए स्ट्रेन देखने को मिल रहे हैं, उन तमाम इलाकों को सील किया जाएगा 1 और 2 दिन के भीतर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।